दोस्तों, अंग्रेजी का एक कथन है, इफ इट इज इंपॉर्टेंट टू यू यू विल फाइंड अ वे, इफ इट इज नॉट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। के जेकर कोई काम साढ़े लिए महत्वपूर्ण होगा तो असी उसनों करने लिए रस्ता लभांगे, अते जेकर वह काम साढ़े लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा तो असी उसनों ना करन दे लिए बहाने लभांगे। सो साड़ी अज की छोटी जिही कहानी भी इस नाल संबंधित है कि साढ़े अंदर किसी काम नूं करन लिए जिन्नी प्यास जा जिन्नी साड़ी इच्छा शक्ति होएगी उन्ना ही असी उस काम विच कामयाब हो सकते हाँ। आओ दोस्तों, शुरू करते हाँ एक छोटी जिही कहानी। एक भारती साधु चीन गया सी बोधी धर्म। वो हमेशा दीवार वल मूँह करके बैठता सी, कदी लोकां वल मूँह नहीं सी करदा। लोकां ने उस नूं चीन विच पुछया कि ये की पागलपन है, तुसी दीवार वल मूँह करके बैठे हो। बोधी धर्म ने कहा कि तुहाडे वल मैं मूँह करदा हाँ तां तुहानूं मैं दीवार दी तरह महसूस करदा हाँ। तुहाडे नाल गल करन दा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि तुहाडे अंदर जिस गल दी प्यास ही नहीं उस दी चर्चा करन दा की फायदा। तुसी भी दीवार दी तरह हो, इसलिए मूँह दीवार दे वल करी रखदा हाँ। घट्टो घट दीवार ते तरसता नहीं आउंदा। जदों कोई आदमी अजिहा आवेगा जिस दे अंदर प्यास होवे तां मैं उस दी तरफ मूँह कर लवांगा। 9 साल तक वह चीन विच सी, उसने दीवार वलों मूँह नहीं हटाया। एक दिन हुई नींग नां दा इक व्यक्ति आया अते उहदे पिछे खड़ा हो गया। हुई नींग ने कहा कि इस पासे मूँह कर लो। वो आदमी आ गया जिस दी उड़ीक सी। बोधी धर्म ने कहा कि की सबूत है, दीवार वल ही मूँह रहा अते कहा कि पहला सबूत दिओ। इस आदमी ने एक हथ कट के उसके हथ ते रख दिता। बोधी धर्म घबरा गया अते उस आदमी ने कहा जेकर थोड़ी देर होर रुकिया तो गर्दन नाल सबूत देवांगा। बोधी धर्म ने मूँह एक पासे कर लिया। उसने कहा ठीक है, वो आदमी आ गया जिसकी मैनू बहुत चिर तो उड़ीक सी। सच दे लई जेकर थोड़ी जिही प्यास होवे तां बहुत साहस दियां जो खिंडियां होईयां शक्तियां हन वो इस प्यास के केंद्र उत्ते इकट्ठियां हो जांदियां हन। याद रखो, सच हमेशा प्यास के केंद्र उत्ते इकट्ठा हो जाता है। जो प्यास हुंदी है वो शक्ति बन जाती है। तुहाडी जो प्यास है वो तुहाडी शक्ति है। धन्यवाद।